अगर हम आपसे पूछे कि आपका फेवरेट फूड क्या है, तो आप में से कुछ लोग शाही पनीर, पिज्जा, मोमोज या फिर चिकन का नाम लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चींटियों के अंडे से बना सूप या फिर फ्राइड टिड्डो को बड़े चटकारे लगा कर खाते हैं। अगर आपको यकीन न हो रहा हो तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के ऐसे अजीबोगरीब फूड के बारे में बताएंगे जिन्हें आम इंसान खाना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन यहाँ के लोग इन अटपटी डिशेस को बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। फ्राइड टेरेंटुला स्पाइडर। दोस्तों, आपने मकड़ी और घर में उसके द्वारा बनाए गए जाले तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग मकड़ी को बड़े स्वाद से खाते हैं? जी हाँ, ये सच है, क्योंकि कंबोडिया देश के लोग टेरेंटुला स्पाइडर को स्नैक्स के रूप में खाना बहुत पसंद करते हैं, वो भी फ्राई करके। इस अजीब से स्नैक्स को आप कंबोडिया के बाजार में आराम सा बिकता हुआ देख सकते हैं। आपको सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन कंबोडिया में टेरेंटुला स्पाइडर को बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी खाना पसंद करते हैं। बताते हैं कि खेमर रव शासन के वक्त यहाँ के लोग डिप्रेशन यानी अवसाद में चले गए थे, और पर्याप्त खाना न मिलने की वजह से उन लोगों ने टेरेंटुला को भोजन के रूप में खाना शुरू कर दिया था। लेकिन तब से अभी तक यहाँ के लोग टेरेंटुला स्पाइडर को खाना बहुत पसंद करते हैं। बता दें, कंबोडिया में मकड़ी को बड़े पैमाने पर खाया जाता है। टेरेंटुला स्पाइडर के डिश को तैयार करने के लिए इसमें नमक, चीनी और लहसुन जैसे कुछ मसालों के साथ फ्राई किया जाता है। बता दें कि यह मकड़ी दुनिया की सबसे बड़ी और डरावनी मकड़ी मानी जाती है। अगर यह किसी को डंक मार दे तो इतनी तेज दर्द महसूस होता है जितना एक ततैया के डंक से होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंबोडिया के लोग इतनी बड़ी मकड़ी से डरना तो दूर, उसे फ्राई करके चट कर जाते हैं। भाई, हम तो इसे अपने जीवन में कभी ना खाएं। ग्रास ऑपर। जहाँ कीड़े मकोड़ों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें बड़े मजे से खाना पसंद करते हैं। चौंगेना। जी हाँ, थाईलैंड के लोग ग्रास ऑपर को दाल चावल की तरह खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते हैं। इसे खाने के लिए पहले यहाँ के लोग इसे अच्छे से फ्राई करते हैं, फिर सोया सॉस और नमक डालकर सर्व किया जाता है। जब यहाँ के रेस्टोरेंट में इस डिश को तैयार किया जाता है तो लोगों के मुंह में पहले से ही पानी आने लगता है। इसके स्वाद की बात करें तो इसका टेस्ट कुछ कड़वा होता है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि यहाँ के लोग इस कड़वी डिश को बड़े स्वाद से खाते हैं। अगर आप यहाँ के लोगों से इस डिश के फायदे के बारे में सुनेंगे तो कहेंगे कि भला ऐसा भी संभव है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इसे खाने से हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशंस की पूर्ति होती है। दोस्तों, इन लोगों को कौन समझाए कि आप दूध, दही और पनीर खाकर भी प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को तो इसे पॉपकॉर्न की तरह खाने की आदत है। शिराको। अजीब से दिखने वाले इस डिश को शिराको के नाम से जानते हैं, जिसे जापान के लोग बड़े शौक से खाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जापानी भाषा में शिराको का मतलब है सफेद बच्चे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बच्चों को नहीं बल्कि एंगलर या पफर फिश के स्पर्म बैग को कहते हैं। अगर इसे दूर से देखें तो ये सफेद मेयोनीज की तरह लगता है। अगर आप में कुछ नया ट्रीट करने की हिम्मत है तो आप इस विचित्र सी डिश को खा सकते हैं। बताते हैं कि इसका टेस्ट कुछ कुछ मीठे कस्टर्ड जैसा होता है। जापान के रेस्टोरेंट में इस फिश सीमेंट डिश को कच्चे और पके हुए दोनों रूप में परोसा जाता है। यहाँ के लोग इसे राइस के साथ खाना बहुत अधिक पसंद करते हैं। रेड एंट्स। अगर लाल चींटियां किसी को काट ले तो सूजन और काफी तेज जलन महसूस होने लगती है। ऐसे में क्या कोई इन्हें खाने का रिस्क लेना चाहेगा? शायद नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, और उनमें से कुछ लोग इन्हें खाना बहुत पसंद करते हैं। बता दें कि भारत के उड़ीसा में एक ऐसा गांव है जहां के लोग लाल चींटियों का स्वाद चखना पसंद करते हैं। यहां के लोगों का कहना है कि लाल चींटी और उनके अंडों में काफी महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं और उन्हें खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यहां के लोगों की माने तो इन्हें एक बार में खाना करीब 14 ग्राम प्रोटीन लेने के बराबर है। ये बात अब आपको भी हैरान कर सकती है कि यहाँ के आदिवासी लोगों का मानना है कि लाल चींटी खाने से आंखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, लोगों को सनस्ट्रोक से भी बचाया जा सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा सच में है तो पूरी दुनिया गाजर और आंवले को छोड़कर लाल चींटियां ही खाने लगे। बलूट।
सर्दी आने पर कुछ लोग अंडे खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप इस डिश को देख लें तो आप शायद अंडे खाना छोड़ देंगे। इस अनोखे डिश को बलूट के नाम से जानते हैं। ये बर्ड्स के फर्टिलाइजर अंडे हैं। असल में ये बतख के अंडे होते हैं। इसे तैयार करने के लिए बतख के अंडे के अंदर ही उसके बच्चों को कुछ बड़ा होने दिया जाता है। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे इसे एक भ्रूण बनने के लिए रख दिया जाता है, फिर उसे विकसित होने से पहले ही खा लिया जाता है। फिलीपींस के लोग इसे उबालकर या फिर बियर के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। इसे फिलीपींस में स्ट्रीट फूड के रूप में बहुत खाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन ये डिश अंडा खाने वाले लोगों का दिल दहलाने के लिए काफी है। एलिगेटर। एलिगेटर ऐसा खतरनाक जीव है जिसके नजदीक जाने से भी लोग घबराते हैं। ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि इसे खाया भी जा सकता है? जी हाँ, कुछ लोग एलिगेटर के मीट को उंगलियां चाट चाट कर खा जाते हैं। बता दें कि इंडोनेशिया और चीन में इसे लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के मेन बाजार में इसका मीट आराम से मिल जाता है। इसे शौक से खाने वाले लोगों का कहना है कि इसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है जो हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। बताते हैं कि इसका टेस्ट काफी मजेदार होता है, इसलिए यूएस की काफी कंपनीज इसका मीट भी सप्लाई करती हैं। बता दें कि एलिगेटर के मीट से जानवरों का खाना यानी कि पेट फूड भी तैयार किया जाता है। दोस्तों, आप में से कौन कौन इसे खाने की डेयर करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बर्ड्स नेस्ट सूप। सूप पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आपको चिड़िया के घोंसले का सूप पीना है तो यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन चाइना के लोगों की तो बात ही अलग है। वो इस सूप को बड़े ही मजे से पीना पसंद करते हैं। हालांकि इस अनोखे सूप को पीना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसका दाम काफी ज्यादा होता है। लेकिन चाइना के लोगों को तो सारी चीजें अजीबोगरीब खाना खूब पसंद करते हैं, इसलिए वो इसे भी पीना जरूर पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, इस सूप के महंगे होने की वजह यह भी है कि ये किसी आम चिड़िया के घोंसले से तैयार नहीं किया जाता, बल्कि इसे स्विफ्टेड बर्ड के घोंसले से तैयार किया जाता है। ये आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इस सूप के टेस्ट की बात करें तो इसका फ्लेवर सॉल्टी होता है। विचेटी ग्रब। अब हम आपको ऑस्ट्रेलिया में खाई जाने वाली इस अजीब से डिश के बारे में बताते हैं, जिसे विचेटी ग्रब के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कबीले के लोग इस वियर्ड सी दिखने वाली फिश को रोजाना बड़े मजे से खाना पसंद करते हैं। बता दें कि ये सफेद सा दिखने वाला फूड मौत का वुड ईटिंग लार्वा होता है। एक रॉ विचेटी ग्रब का स्वाद बादाम के जैसा होता है, और जब इसे पकाया जाता है तो इसकी स्किन क्रिस्पी हो जाती है, यानी कुक करने के बाद इसका टेस्ट रोस्ट चिकन जैसा लगता है, जबकि अंदर से ये फ्राइड अंडे की तरह दिखाई देता है। यहाँ के लोगों की माने तो इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। टूना आईबॉल्स इन जापान। हो सकता है कि जापान की इस ऊटपटांग डिश को देखकर आप लोगों को उल्टी आ जाए, लेकिन क्या करें, जापान के लोग टूना आईबॉल्स नाम के इस फूड को बड़े मजे से खाते हैं। यहाँ के लोग टूना मछली को खाना तो पसंद करते ही हैं, लेकिन वो मछली की आंख को खाने से जरा भी परहेज भी नहीं करते। सुनकर हैरानी होगी कि जापान के कुछ रेस्टोरेंट में मछली की आंख को स्नैक्स के रूप में सर्व किया जाता है। जी हाँ, और इसे लोग सोया सॉस और जिंजर के साथ खाना खूब पसंद करते हैं। शायद ही आप में से कोई इसे खाना पसंद करेगा, क्योंकि ये है ही इतना विचित्र। बियॉन्ड डेगी। इस भयानक डिश को सिल्क वॉर्म प्यूपा के नाम से भी जानते हैं। ये कोरिया का पसंदीदा स्ट्रीट फूड है, जिसे उबाल कर या फिर स्टीम करके पेपर कप में सर्व किया जाता है। साथ ही इसे खाने के लिए टूथपिक स्कीवर दिया जाता है। साथियों, कोरिया के लोग इसे स्नैक्स के रूप में खाना खूब पसंद करते हैं। इसे आप ग्रोसरी स्टोर से आराम से खरीद भी सकते हैं। इसके स्वाद की बात करें तो इसका टेस्ट थोड़ा सा मछली और अखरोट जैसा स्वाद होता है। इसका आउटर शेल काफी क्रंची होता है, जबकि अंदर से सॉफ्ट और जूसी होता है। अगर कोई पहली नजर में इसे देखता है तो उसे ये कॉफी बीन्स जैसा लगेगा, लेकिन नजदीक में जाने पर पता चलेगा कि असल में तो ये सिल्क वॉर्म है, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। अगर किसी वेजिटेरियन से ऐसी गलती हो जाए तो उसे ये काफी भारी पड़ सकती है और उसका सारा मूड खराब हो जाएगा। दोस्तों, आप इनमें से कौन सी डिश ट्राई करना चाहेंगे, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।